मध्य प्रदेश में बाबाओं का जबरदस्त इन दिनों बोलबाला है। अगर बात बाबा बागेश्वर की करें तो वो काफी चर्चा में है। इस बार बाबा बागेश्वर को भी चैलेंज करने वाले बाबा सामने आ गए और बागेश्वर बाबा को चैलेंज कर दिया है पंडोखर बाबा ने। दरअसल पंडोखर सरकार भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह पर्ची निकालते हैं। पंडोखर सरकार 9 से 11 जून तक इंदौर में दरबार लगाने वाले हैं। पंडोखर सरकार ने कहा कि आपके पास दो आंखें हैं, जब तक आप लोग खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक सक्रिय नहीं होंगे, तब तक ऐसे अंधविश्वास पनपते रहेंगे। यानी कि आप प्रत्यक्ष रूप से पंडोखर सरकार बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। मैं आपको ऐसी शिक्षा देकर जाऊंगा, एक मिनट में जितने पर्चे बनाने वाले समाप्त कर दूंगा। 24 घंटे तक होंगे तो पर्चे बनाने वाले ही नहीं बचेंगे। लेकिन आप लोग पनपाए हो तो पनपाए रहो, हमें क्या दिक्कत है? हमारे ऊपर तो असर आता नहीं, हमारे ऊपर असर काय को आएगा, क्यों आएगा? और हम तो कहते हैं जो सबके लिए नियम वो हमारे लिए हो, और पहले हमारे लिए हो, संपूर्ण शोध हमारे ऊपर हो, फिर उसके बाद दम हो तो मंच पे किसी के चढ़ के देख लो, एक पर्चा बनवा लो, उसी क्षण एक मिनट में शक्ति समाप्त। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 506 पर्ची बनाने वाले हो गए हैं। और मैं तो कहता हूं मैं एक वीडियो चलवाता हूं किसी का भी, किसी पर्ची बनाने वाले का, और मैं आपको पढ़ाई करके जाता हूं, छोटे मोटे पर्चा तो तुम ही बनाने लगो, गली से बन जाओगे इंदौर सरकार, और हर गली बैठ जाएंगे। 5 मिनट में आप पर्चा बनाना सीख जाओगे जैसा जितने लोग बना रहे। लेकिन हम बोलना नहीं चाहते किसी के बारे में, बोल सकती है कि अंधविश्वास को बढ़ावा मत दो, नहीं तो एक दिन हमारा सनातन रोएगा, समाज रोएगा, संत रोएंगे, पूर्वज रोएंगे, पितृ रोएंगे कि हमने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। और कल तुम्हारे ही बच्चे नामी गोता संधि, तुम्हारे ही तुम्हारे बच्चे तुम कमा के गए लुटेरा ले जाएंगे, अब लुटेरा पर्चा बनाने में आ गए। आगे वो कहते हैं कि आज 506 पर्ची बनाने वाले लोग भारत में हैं, जिसमें से 200 लोगों की सूची मेरे पास है। वहीं पंडोखर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पर्चे बनाने पर बिना नाम लिए सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि पर्चा बनाना भी एक ट्रिक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफी है। इन लोगों ने साधना नहीं की है, जप नहीं की है, अनुष्ठान भी नहीं की है, ये लोग सिर्फ ऑरा बनाकर चमत्कार दिखा रहे हैं। निर्मल बाबा की जगह से लोगों की आस्था टूटी थी, इससे पहले निर्मल बाबा चमत्कार दिखाते थे, कहां चले गए किसी को नहीं पता। इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर भी पंडोखर सरकार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म के लिए राम राज्य की स्थापना हो, हिंदू राष्ट्र पहले से ही है।